राजस्थान राजनीति के लिए अब ट्विटर एक अखाड़ा बनता जा रहा है। राजनीतिक मंच से अपने बयानों के तीर चलाने वाले नेता अब ट्विटर की तलवार से हमला करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों ने ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट देख लीजिए कि दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाओगे, टैगोर की दाढ़ी, दादी की नाक और नामदार नाम से जब तक कांग्रेस आगे बढ़ेगी देश इनको बहुत पीछे छोड़ चुका होगा, लगे रहिए गोविंद भाई। शेखावत के इस ट्वीट पर भला डोटासरा चुप कैसे रहते। शेखावत के इसी ट्वीट पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने भी ट्वीट किया, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो मंत्री जी, काम के बारे में क्या सोचा है? राजस्थान की जनता के लिए काम करो और काले कृषि कानूनों को वापस लो, नहीं तो अगले चुनावों में ना आपके दाढ़ी वाले बाबा काम आएंगे और ना ही शेरो शायरी। दोनों मंत्रियों के बीच ट्विटर पर इस तलवारबाजी की वजह बना वो बयान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मरु महोत्सव में दिया था। मंत्री जी गए तो मरु महोत्सव का मजा लेने थे, लेकिन वहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री जी ने मोदी सरकार को घेरते घेरते कुछ ऐसा कह दिया जो केंद्र में मंत्री और मोदी के सिपाह सलार माने जाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत को नागवार गुजरा। तो चलिए मंत्री डोटासरा का वो बयान भी सुन लेते हैं। किसी की दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने विचारों को महान करने से बनता है, और वो विचार जो महान है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच ट्विटर पर छिड़ी ये जंग कितनी लंबी चलती है या फिर ट्विटर की दी गई सलाह कौन मानता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो देश और प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ही जंग कर रही है और नेता अपने अपने प्रमुखों को लेकर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।